आज आखिरी दिन, आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें एक नगर पालिका 9 नगर पंचायतों में होगा मतदान। और चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी के 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान और वोटिंग वाले दिन जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। और पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। तो 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान, वोटिंग वाले दिन जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। और जिन विभागों में अवकाश नहीं है, वो केंद्रीय जो कार्यालय है, वहां पर भी आदेश दिया गया है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार, विभाग के हैं अध्यक्ष, उनको वोट देने जाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार मैनेज करें। तो पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें एक नगर पालिका 9 नगर पंचायतों में मतदान होगा। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासनिक तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यूपी के 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान, तो वोटिंग वाले दिन जिलों में अवकाश भी घोषित किया गया है। और इसी बीच तैयारियां जो है वो पूरी पुख्ता की गई हैं। पहले से ही जो अधिकारी जो ड्यूटी में तैनात होंगे, उनको पहले से ही प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ताकि मतदाता जो है वो बेखौफ होकर के पोलिंग बूथ तक जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान इसमें, और द्वितीय चरण का जो होगा वो 11 तारीख को होगा, और 13 तारीख को आएंगे रिजल्ट यानी कि नतीजे, और 13 तारीख को एक नई सरकार जो होगी शहर की सरकार, उसका भी अब पता लगेगा। तो वोटिंग वाले दिन जिलों में फिलहाल अवकाश घोषित किया गया है। तो 4 मई को पहले चरण का होगा मतदान, निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां पहले से बढ़ी हैं। इधर चुनाव प्रचार भी काफी तेज गति से चल रहा है। हर राजनीतिक दल की अपनी तैयारी को भी कहीं ना कहीं आकलन का मौका मिलेगा। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, कल की हैं तस्वीरें, जब सिंगार नगर स्टेशन से लेकर के मुंशी पुलिया तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वंदना मिश्रा जो मेयर पद की प्रबल दावेदार हैं, उनके समर्थन में प्रचार किया। तो निकाय किरण को लेकर के देखिए जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच यूपी के 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान, और शाम 6 बजे से आज प्रचार भी थम जाएगा। और इस बीच जो पार्टियां हैं, जो मतदाता हैं और जो कर्मी हैं, वो अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहले से ही जा चुके हैं प्रत्याशी जो हैं और राजनीतिक दल। और हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी तैयारी है, चाहे वो निर्दलियों की भी बात करें प्रत्याशी में, वो भी पूरी तरीके से ताल ठोक करके चुनावी मैदान में हैं। और बिजली, पानी, सड़क, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के, चाहे वो कूड़े को लेकर, निस्तारण को लेकर के हो, ये अपने अपने घोषणा पत्र में हर राजनीतिक दल के ने और प्रत्याशी ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है। तो शहरों शहरों में क्या कुछ तैयारियां हैं, झांसी की ओर रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी एसएस झा हमारे साथ जुड़े। एसएस झा, आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके की सरगर्मियां हैं? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, क्राफ्ट मेले में पहुंचे थे। तमाम जो महिलाएं जो हमारे साथ खड़ी हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनको सुनने के लिए आई थी। आज शाम 6 बजे यहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बात करें तो समाजवादी प्रत्याशी के, कांग्रेस प्रत्याशी के, तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में। आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पहुंचकर यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को यहाँ खड़ा करके सभी लोगों से अपील की है कि हमारे प्रत्याशी को, हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम भीड़ यहाँ थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर हमारे प्रत्याशी कोई जीतते हैं तो किसी भी मेयर पद हो या नगर पंचायत हो या नगर अध्यक्ष हो, वह किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। हम बात कर लेंगे तमाम जो महिलाएं जो आई हैं, देख सकते हैं जो महिलाएं जो आई हैं इनको सुनने के लिए आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नीता अवस्थी नाम है। कौन आया था आज? हमारे जो है सीएम जो है बुलडोजर बाबा के नाम से जो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, वो आए थे, ऐसे माननीय हमारे सीएम योगी नाथ जी। अच्छा, बहुत से आपकी टिकट लेने वाली थी, आपको नहीं मिला, आप किसके साथ हैं?
फिर भी मैं अपनी पार्टी के ही साथ हूँ। मेरे क्षेत्र का, मेरे वार्ड नंबर 11 का जो प्रत्याशी तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन उस वक्त झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए, और इस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे उनके समर्थन के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रत्याशियों के लिए किस तरीके से अपील भी की कि और जो होगी उनकी शहर की सरकार, आप इनके प्रत्याशियों को विजयी बनाइए और मजबूत होगी, विकास की जो गति होगी वो और तेजी के साथ बढ़ेगी। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक होगा मतदान, और पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, तो फिलहाल जितेंद्र के पास हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा एसएस झा के पास एक बार फिर से रुख करेंगे। एसएस झा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, प्रत्याशियों के समर्थन में अपील भी कर रहे हैं, और किस तरीके से अभी आप तमाम सारे लोगों से बात भी कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना है, कितना जोश नजर आ रहा है एसएस झा? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, इनको टिकट नहीं मिला तो उनको बागी हो गई थी, लेकिन इन लोगों की बैठक हुई है, तमाम जो इसमें जो प्रत्याशी भी खड़े थे, इन्होंने टिकट के लिए मांग की थी, तमाम लोग हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद भी जो जिसको टिकट मिला उसके साथ हैं। जो फिर से बात करेंगे, इस महिला को टिकट मिलने वाला था, किन्हीं कारण नहीं मिल पाए, मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ, नैना पाखरे। मेरे वार्ड से प्रदीप खटीक को रिपीट टिकट हुआ है, मैं उसके समर्थन में, उसके सहयोग में, उसके साथ खड़ी हूँ। वो बिकॉज क्योंकि वो हमारी पार्टी का है और पार्टी ने उसको चुना है हमारे लिए, तो पार्टी ने जो भी निर्णय लिया होगा कुछ अच्छा ही लिया होगा। हम पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, पार्टी के समर्थन में, पार्टी के साथ खड़े होंगे, चाहे वो महापौर का प्रत्याशी हो, चाहे वो वार्ड का प्रत्याशी हो। अच्छा, आप भी कैब लगा के आई हैं? मैं योगी आदित्यनाथ को सुनने आई थी, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे, जिन्होंने काफ़ी जानकारी दी हम लोगों को। कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें जो युवा भाई हैं उनके लिए नौकरी के लिए बोल रहे हैं, और जो जल की मतलब पानी का जो संकट है बुंदेलखंड में काफ़ी समय से, वो भी 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा घर का। तमाम और भी महिला है हमारे साथ, सर मैं भी बीजेपी से हूँ, बीजेपी की महिला मोर्चा के मंडल सदस्य हूँ मैं, और मैं अपने वार्ड नंबर 56 में अरविंद झा को सपोर्ट कर रही हूँ, अपनी पार्टी के लिए, मेयर साहब के लिए सपोर्ट कर रही हूँ। हम लोग रोज डेली उनके रैली में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमल को दे, कमल को विजय ही बनाना है हमारा पूर्ण लक्ष्य है। हम लोग महिला जो है हमारी बहुत परेशान भी होती हैं, जो घर गृहस्थी में हर चीज़ में, उसमें मोदी जी उन्हें सहयोग करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि महिला सभी वोट दें और आगे बढ़ाएं। जो बेरोजगार है रोज, और घर में भी परेशान है, घर नहीं है रहने को, या काम नहीं है, नौकरी नहीं है। अब मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें रोजगार झांसी के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो हम अपनी झांसी छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते थे, कहीं बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन अब अपने शहर में रह के काम भी कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा लगा। तमाम जो महिला है, तमाम इनका कहना है कि मोदी जी की टीम के साथ है, हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हम साथ हैं। हमारी पुरानी नेता है ये नीता अवस्थी, कई सालों से पार्टी में, अभी तक आपको टिकट नहीं मिला, कई बार आपने सोचा भी होगा क्या? नहीं, एक्चुअली में मैंने सोचा भी नहीं, और मैं संगठन का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे संगठन को। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि बहन जी आप चुनाव लड़िए, लेकिन चूंकि क्या है कि संगठन में जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको आगे बढ़ाया जाए और हम लोग उनके सपोर्ट में रहें, हमारा आशीर्वाद, सहयोग और साथ हमेशा उनके साथ है और हमेशा रहेगा। देख सकते हैं कि कितना बड़ा दिल है नीता अवस्थी का, इनका ये कहना है कि हम पार्टी के साथ हैं, टिकट मिले या न मिले लेकिन हम पार्टी के साथ हैं। आज चुनाव प्रचार 5 बजे यहाँ समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, तमाम पूरे जिले के प्रत्याशी हैं, आज इस सभा में यहाँ पहुंचे थे। जी एसएस झा, आज एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली, मैं लगातार लाइव लेता हूँ, फोनो लेता हूँ, लेकिन आज जिन कार्यकर्ताओं से आपने एसएस झा बात की, बड़ा ही उनका दिल जो है वो उदारवादी है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि टिकट नहीं मिला, जैसे कि एक प्रत्याशी ने बात करा और तमाम सारे लोगों ने, लेकिन नाराजगी नहीं है। वरना तो आए दिन देखिए, जब से अगर टिकट नहीं मिला, आपने पार्टी में काम किया, उसके बाद वो देखिए नाराजगी के सुर विस्फोट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तस्वीर नजर आई एसएस झा। बिल्कुल सही बात है, ये पार्टी भाजपा की पार्टी है, इनका सिर्फ एक ही कहना है
के परिवार है, परिवार में वाद विवाद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब एक हो जाते हैं। हमारा परिवार है, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, अगर इन लोगों में झगड़ा होता है, किस बात को हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बैठ के सारे लोग भाई भाई बहन बैठ के मामले को सुलझा देते हैं। इसी तरह इन लोगों ने पूरा आज पूरा प्यार दिखाया है। सारी जो बहनें हमारे साथ जो खड़ी हैं, सारे लोग हैं, ये पूरे कार्यकर्ता इधर भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल SSR, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ जितेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़ गए फिरोजाबाद से, और लखनऊ से अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं जितेंद्र के पास आऊंगा। जितेंद्र, किस तरीके से फिरोजाबाद में किस तरीके से तैयारियां चल रही है वहां पर, क्योंकि आज पूरा हर कोई दमखम लगाना चाह रहा है। आलोक जी, चुनाव प्रचार कुछ ही समय में थम जाएगा। सारे राजनीतिक जो दल हैं उनकी गोटे बिछी हुई हैं। अब देखना ये है कि आखिरकार कौन राजनीतिक दल को जनता चुनेगी और किसको नकारेगी। कुल मिलाकर नगर निगम का जो चुनाव है बड़ा रोचक है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और तमाम आम आदमी पार्टी, तमाम दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब लोभ लुहानी बातें कर रहे हैं, कोई जनता को नहीं रहा कर रहा है, कोई समस्या को उठाकर इस मुद्दे को कैसे करने का प्रयास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जनता 4 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करेगी। हालांकि यहां राजनीतिक जो समीकरण है उसकी बात की जाए तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी यहां से नूतन राठौर, उन्होंने काम नहीं किया, उनकी टिकट दी, नए प्रत्याशी को टिकट दी गई, राठौर से राठौर को बदलने का क्या काम किया गया, कामनी राठौर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाई, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाई, बसपा ने अपने बनाए, कांग्रेस ने अपने, आम आदमी पार्टी ने अपने। तो कुल मिलाकर प्रत्याशी बहुत हैं, जनता के मुद्दे भी बहुत हैं। देखना यह है कि 4 तारीख को जनता किसके पक्ष, बिल्कुल जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। SSR, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अनूप के पास रुख करेंगे। अनूप, राजधानी लखनऊ में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर के हों, बात करें प्रत्याशियों को लेकर के, निर्दलीय भी उतने ही जबरदस्त तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल किस तरीके की सरगर्मियां हैं और किस तरीके का प्रचार अभियान चल रहा है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आज जो प्रचार है वो 6 बजे जो है प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सभी जो पार्टियां हैं पूरी तरह से जो है दमखम में जुट गई हैं। हम देख रहे हैं कि तमाम जो सभी सियासी दल हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वो बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं वो लखनऊ की सड़कों पर निकाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको जो है जिताने का काम जो है जनता करे, वोट देने का काम करें। अगर हम बात करें तो लखनऊ में एक मेयर का जो है प्रत्याशी जो है वो चुना जाना है। इसके अलावा 110 वार्ड हैं जहां पर जो पार्षद हैं उनको जो है चुना जाना है। इसके अलावा अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो 10 नगर पंचायत में जो 71 चेयरमैन हैं वो प्रत्याशी जो है मैदान में। इसके अलावा 132 वार्ड मेंबर के लिए जो है 699 जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। टोटल 600 के करीब जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सत्ता दल भाजपा या विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP और आम आदमी पार्टी, सभी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। लिहाजा कल जो है जो स्मृति उपवन है यहाँ से पोलिंग जो पार्टियां हैं वो भारी सुरक्षा के बीच जो है रवाना की जाएंगी, जिसकी जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। तमाम बसें जो है हायर की गई हैं जिनके जरिए सुरक्षा के तहत जो है वो पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना की जाएंगी। सुबह का ये वक्त होगा। इसके अलावा 4 तारीख को मतदान होना है, सुबह 7 बजे जो है मतदान शुरू हो जाएगा जो 6 बजे तक चलेगा। जिसको लेकर अगर हम बात करें तो सुरक्षा के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम मतदान पर जो केंद्र है वहां पर जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मियों साथ जो PSC है। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं। अनूप, नजर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेंगे। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे संवाददाता चाहे SSR हो, चाहे जितेंद्र हो, अनूप पल पल का अपडेट दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन को लेकर के। तो निकाय चुनाव की जंग में